हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैथ लवर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत मींस वेलकम कहते हैं। आज मैं जो आपके लिए एक लेक्चर लेकर आया हूँ वो शॉर्ट ट्रिक का है। शॉर्ट ट्रिक इसके बारे में है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर जिसका हमें जो जवाब है वो याद नहीं रहता, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर जा किसी एग्ज़ाम में वो प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम शॉर्टली कैसे सॉल्व करके उसको जवाब दे सकते हैं। सो आज आपको मैं वो सिखाने जा रहा हूँ। सो इसलिए आप एंड तक इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये ट्रिक जो है आसानी से समझ आ सके। सो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वो तरफ आइए, सबसे पहले हमें जो रेडिकल में मिला हुआ है वो है 12 33 95। ये जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 के नियरेस्ट जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है वो आपको लिखने हैं। और 12 के जो नियरेस्ट नंबर है वो कौन से हैं, 12 के नियरेस्ट इस तरफ हम लिखेंगे तो वो नंबर है हमारा 9 और इस तरफ लिखेंगे तो हमारा नंबर है 16। अब हमें क्या करना है, जो 16 है वो यहाँ लिखेंगे, उसमें से हम 4 माइनस करेंगे। 16 माइनस 4 करेंगे तो हमें 12 जवाब मिलेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 16 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 4 आप सेम ही रखेंगे और ये जो 4 है उसको करेंगे डबल, मींस आपको जवाब मिलेगा 8। मींस अभी क्या करेंगे, 4 माइनस 4 वन टाइम टेबल लगेगी और 8 पर हमें जो टेबल मिलेगी वो 2 मिलेगी, 1/2 जवाब आएगा इसका। फिर हमें क्या करना होगा, 4 माइनस 1/2 0.5 के बराबर होता है, 4 में से माइनस करेंगे 0.5 तो हमें जवाब मिलेगा 3.5। मीन्स रेडिकल 12 का जो जवाब है वो है 3.5, दैट इज आंसर। अभी हम चलते हैं 33 के नंबर की तरफ। अभी हमें क्या करना है, 33 के नियरेस्ट जो नंबर है वो हमें मिलता है 36। अभी 36 में हम माइनस कराएंगे 3 नंबर, 36 का जो स्क्वायर नंबर होगा वो होगा 6, माइनस 3 आपको सेम ही रखना है और आप क्या करेंगे, 6 को डबल करेंगे, डबल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, 6 माइनस 1/4, अभी 6 माइनस 1/4 0.25, अभी 6 में से 0.25 हम माइनस करेंगे तो हमें जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा 5.75, यानी 75 मिलेगा। जो हमारा 33 है उसका जो आंसर है वो है 5.75, दैट इज आंसर। अभी हम क्या करेंगे, 95 का परफेक्ट नॉन परफेक्ट जो नंबर है वो सॉल्व करेंगे। अभी क्या करेंगे, 95 के जो नियरेस्ट नंबर है वो कौन सा नंबर है, वो है हमारा 100। अभी 100 नियरेस्ट नंबर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम तरीके से अभी रेडिकल में लिखेंगे 100 माइनस 5। 100 का जो स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर रूट है, वो कौन सा नंबर है, 10 माइनस 5। अभी 10 को हम डबल करेंगे तो हमें जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा 5/20। अभी जो हमें क्या करना है, 10 माइनस 5/20 1/4, 10 माइनस 1/4 हम 1/4 पिछले प्रॉब्लम में लिख कर आए, 1/4 इक्वल टू 0.25। 10 में से 0.25 हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा 9.75। सो दैट इज आंसर। मेन से जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके हम आसानी से कैसे जवाब निकालेंगे उसी का तरीका आपको रिपीट करता हूँ एक बार फिर। पहले क्या करेंगे, जो नियरेस्ट नंबर है 12 के नियरेस्ट नंबर 16 है, उसमें से माइनस 4 करवाएंगे, 16 का स्क्वायर नंबर फाइंड करेंगे, स्क्वायर फाइंड करेंगे 4, माइनस 4 सेम ही रखेंगे और ये जो 4 है यहाँ नंबर जो भी होगा उसको डबल करेंगे। अभी इसे सिंपलीफाई करें, क्या जवाब आएगा, 1/2 जवाब आएगा, 4 माइनस 1/2 हमें पता है कि वो बराबर होता है 0.5 के, 4 में से 0.5 जब हम माइनस करवाएंगे तो हमें क्या जवाब मिलेगा, 3.5। इसी तरह जो भी आप नंबर लेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर उसके नियरेस्ट वाले नंबर को आपको फोकस करना है, उसके बाद आप प्रोसेस यही करेंगे तो आपको चंद सेकंड में ये जवाब मिलेगा। इसलिए आपको जो एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम आ जाए तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी लास्ट प्रॉब्लम ये तो हो गया,
या माइनस में, अगर प्लस में हम करेंगे तो वो कैसे करेंगे वो देखिए। रेडिकल 17, अभी 17 के जो नियरेस्ट नंबर है वो कौन सा नंबर है, अभी हम प्लस में ही जाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे, अभी जो पहले तीन नंबर से हम सॉल्व किए वो माइनस में थे, अभी जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है प्लस में। अब प्लस में कैसे होंगे, अभी 17 के जो नजदीक है वो नंबर है 16, इसमें हम प्लस 1 ऐड कराएंगे, जब 1 ऐड कराएंगे तो 16 का जवाब आएगा 4 प्लस 1, 4 का डबल करेंगे तो जवाब आएगा 8। अभी 1/8 किसके बराबर है वो हम यहाँ लिखेंगे, अभी डिवाइड 4 + 1/8 जो 1/8 इक्वल है वो है 0.225 के। अभी 4 में हम 0.225 जब ऐड करेंगे तो हमें जवाब जो मिलेगा वो मिलेगा 3.775। ये जो है हमारा एडिशन में प्रॉब्लम है। अभी हमको आसानी से समझ आ गया होगा कि अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, प्लस में हो चाहे माइनस में करना हो। सो आगे शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।